चले। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। आज मेरे साथ दो यंग लड़के हैं। आपका क्या नाम है? आशुतोष। आशुतोष और मनीष। तो आशुतोष, मेरे पास मैं जनरल फटीग, टायर्डनेस और जो ये मेजर्स की जो प्रॉब्लम थी आशुतोष की, कि ये लेफ्ट से ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकता है और राइट से वेट कम लिफ्ट कर सकता है। तो मैंने इसको इसका आंसर दिया है कि हम जेनेटिकली ट्यून होते हैं लेफ्ट, क्योंकि ज्यादा जितने ज्यादा ट्रेन करेंगे हम उतना ज्यादा लिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि राइट हेमिस्फीयर के जो भी मेमोरी पैटर्न्स होते हैं वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। तो हम जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे हम उतना ज्यादा लेफ्ट से लिफ्ट कर सकते हैं। वहीं पर राइट हमारा डोमिनेंट साइड होता है तो वो ज्यादा फटीग स्टेट में रहता है और यूजली वो कम लिफ्ट करता है कम्पेयर टू लेफ्ट। लेकिन आप हमेशा देखेंगे साइज वाइज वो यूजली राइट थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लगता है थोड़ा सा कम्पेयर टू द लेफ्ट। और जब हम मनीष के ऊपर आते हैं, मनीष के साथ में लेफ्ट शोल्डर में 21, तो मनीष के साथ में प्रॉब्लम है इम्पिंचमेंट की। इम्पिंचमेंट का मतलब होता है कि शोल्डर के बीच में जो लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं, जब उनके अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है ओवर या एक्सेस लिफ्टिंग की वजह से या रॉन्ग पोस्चर की वजह से, तो हम उसको इम्पिंचमेंट बोलते हैं। इम्पिंचमेंट यूजली तो सेल्फ हीलिंग सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है, लेकिन एक्सेस प्रेशर पड़ने की वजह से या बायोमैकेनिकली डिस्टॉर्शन की वजह से शोल्डर में पेन होना चालू होता है। ऑल्दो उसकी स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, बट हमें साइंस मिल रहे हैं कि ये वीक होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने मनीष के साथ में कपिंग भी किया है, नीडलिंग के साथ स्टिमुलेशन लगाया है ताकि मसल्स को मैं हील कर सकूं, और आशुतोष के लिए मैंने जनरल होल बॉडी कपिंग और नीडलिंग किया है ताकि इसकी बॉडी को मैं रिलैक्स कर सकूं। ये और मैंने आशुतोष को बोला है कि इसको रेगुलरली आने की कोई जरूरत नहीं है, जब इसको जरूरत पड़े तभी आए, चाहे वो एक महीने में एक बार हो, दो महीने में एक बार हो या 15 दिन में एक बार, जैसा उसको ठीक लगे। और मनीष के लिए मैंने बोला है कि मनीष मेरे पास 5-7 दिन आएगा, कम से कम 3-4 दिन तो हम रेगुलर करेंगे ताकि रिजल्ट देख सके। अगर ये चीज हम 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक करते रहेंगे शायद तब भी ठीक हो सकता है, लेकिन हमें इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो मैं अब इन दोनों का जल्दी से एडजस्टमेंट दिखाता हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें। और आप में से भी कोई हैवी लिफ्टिंग करता हो और आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो वैसे हम सब जानते हैं कि हैवी लिफ्टिंग करने वालों में शोल्डर में प्रॉब्लम, बैक में प्रॉब्लम आती ही है। तो वेट को मॉडरेट रखें, ज़्यादा वेट लिफ्ट ना करें। जब भी आपको दिक्कत हो, एक्सेस वेट लिफ्टिंग आपकी प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। अच्छा आशुतोष, पहले मैं आपके एडजस्टमेंट दिखाता हूँ। एडजस्टमेंट कराया क्या आशुतोष? और आशुतोष मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट ग्रेजुएट है, क्या कर रहा है आशुतोष आजकल? मैं आजकल अमेज़न के लिए काम कर रहा हूँ, AWS। राइट। ये आशुतोष काफी स्ट्रांग हो चुका है, मसल्स काफी स्ट्रांग फील कर रही हैं और पोस्चर भी ठीक है। एक बार मैं इसके पांव देख लेता हूँ, कहीं कोई लिम लेंथ वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, ये पांव की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देख सकते हैं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट डेफिनेटली हमें थोड़ा सा इसके पांव में सुपिनेशन नजर आ रहा है, यानी कि ये थोड़ा सा इस तरह से चलता होगा। जूते बाहर से घिसते हैं दोनों तरफ शायद, वो देख लें इजी विदाउट। टर्न करेंगे मेरी तरफ, नीचे वाला पैर सीधा कर लेंगे, इसको बैठ कर लेंगे, इजी। अब इसके लोअर बैक करते हैं, इजी, वेरी गुड। उस तरफ कैसा फील हो रहा है? मैक्स, पता नहीं था इतनी ऊपर तक भी चढ़कती है। नीचे वाला पैर सीधा बेंड कर लेंगे, नाइस नाइस स्ट्रेट। हार्ड पार्ट गर्दन में बच गया, बच गया, बच गया भाई। बची हुई या निकल गई?
पेन तो जरूर निकल गई जो बहुत टाइम का था बैठने की वजह से चेयर पे. मोबिलिटी भी थोड़ी अच्छी हो गई है. पहले स्टिफनेस रहती थी यहाँ पर इस तरफ राइट हैंड साइड पे, अब ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा मेरे को. क्लियर अच्छे से खुल गया. तो कायरोप्रैक्टिक आपके लिए काम किया है नहीं किया? बहुत. अब मैं सिर्फ एक बेड ढूंढ रहा हूँ जहाँ जाके सो सकूं. पूरी बैक रिलैक्स हो चुकी है और बहुत डिजीनेस फील हो रहा है मेरे को. ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है. अब आप रेस्ट करें, अब मैं मनीष का करता हूँ. एक चीज नजर आ रहा है कि मनीष के जो पांव के आर्चेस हैं वो कम है. लिम्ब लैम डिस्क्रिपेंसीज नहीं है बट आर्चेस इसके कम है. सर नीचे और बैक आशुतोष से ज्यादा लूज है इसकी बैक. इजी ब्रीथ आउट. ये खुली है. आवाज आई, आवाज आई. इजी. सर वॉक द गॉड. आ जाओ मेरी तरफ टर्न करो. नीचे वाला पैर सीधा, इसको बेंड करो. नीचे वाला पैर सीधा. ये तो गर्दन की हड्डी का आवाज आएगी फिर. रिलैक्स. इजी. तोड़ दूं? हाँ. खींच के एकदम ऐसे बाहर. ये भी क्रैक होएगा. मेरी आवाज चेंज हो जाएगी. एप्पल बाहर आ गया है. इजी. मुझे यहाँ तक सुनने में आई आवाज. पक्का रिलैक्स हुआ होगा. काफी व्यूअर्स देखते रहिएगा. काफी दूर है. How does it feel? मतलब ऐसा लग रहा है 360 घूम जाएगा उल्टू इधर. अच्छा यहाँ पीछे का चलेगी. हाँ सर. काफी इसका ये हमेशा प्रॉब्लम था. इसका नेक ज़्यादा मूव नहीं करता. ये मोबिलिटी का प्रॉब्लम. अच्छा नहीं इसमें. हाँ जब मैंने देखा कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं थी. ये ज़्यादा. हाँ बट शोल्डर अगर ये स्ट्रॉन्ग हो ज़्यादा मजबूत हो. उठाता नहीं मैं. वेट नहीं उठाता. कल से उठा लेगा. तो व्यूअर्स आप लोग बता दो कैसा लगा आपको यू नो एज ए होल यहाँ पे आना समझाना ट्रीटमेंट और फिर एडजस्टमेंट. क्या एक्सपीरियंस है? तू बता स्टार्ट कर. मतलब आना सबसे पहला अपॉइंटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं. आप एक फोन कीजिए आपको अपॉइंटमेंट आराम से मिल जाएगी. आपके कन्वीनियंस के हिसाब से डे में जिस टाइम भी आप फ्री हैं उस टाइम आप आ जाइए. हम लोगों को आज प्रॉब्लम भी थी बिकॉज आज रेनी नहीं था आउटसाइड तो बहुत ट्रैफिक जाम था. बट इन लोगों ने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया और हमारा शेड्यूल थोड़ा आगे का भी किया और सर अवेलेबल थे फॉर्चुनेटली. और उसके बाद थेरेपी तो मस्त है. अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, अगर आप बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा सा भी हैं तो आपके लिए मस्त है, ज़रूर आए. कायरोप्रैक्टिशनर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. चाहे ओवरऑल आप नहीं भी जिम जाते हैं या वेट उठाते हैं, आपकी अलाइनमेंट सही कर देगा. और सबसे अच्छी चीज़ नींद बहुत अच्छी आएगी. सेम एग्जैक्ट सेम सेम. मतलब स्पीचलेस रह गया मैं वो होने के बाद खुलने के बाद. सो व्यूअर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ हमसे पूछें और लिंक में जाके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं यू नो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.